Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today I'm going to share with you two different ways to create a dhoti style sari look. So one of my subscriber commented me to create this video. So let's get started. But before jump into the video, I want to tell you that please make sure to use a georgette or thin fabric to create this look. पहले मैंने लेफ्ट साइड से करीब 1.5 मीटर साड़ी छोड़ते हुए आगे की तरफ एक नॉट बांध ली है। 3-4 बार इस स्टेप को ट्राई करने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको लेफ्ट पोर्शन में कितना फैब्रिक छोड़ना है। अब मैंने लेफ्ट साइड वाले फैब्रिक के साथ कुछ प्लीट्स बना लिए हैं ताकि मैं इन्हें आसानी से लेग के पीछे से ऊपर की तरफ ले जा सकूँ। तो मैंने लेफ्ट साइड वाले फैब्रिक को ऐसे लेग के पीछे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए काफ़ी नीटली सामने की तरफ मैं इसको लेकर आई हूँ। मेक श्योर कि फैब्रिक पीछे से मुड़ा ना हो, ऑल्सो आपको टाइटली इसको आगे की तरफ लेकर आना है। अदरवाइज़ जो फैब्रिक होता है, साड़ी का जो फैब्रिक होता है, वो जनरली फुटवेयर में फंस जाता है। अब इस लेफ्ट वाले पोर्शन की नीटली प्लीट्स बनाकर पीछे की तरफ टक इन कर देना है। अब हम इस बचे हुए फैब्रिक की प्लीट्स बनाकर इसको आगे की तरफ टक इन कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ अ सेफ्टी पिन टू सिक्योर इट प्रॉपरली। नाउ टॉक अबाउट द राइट साइड, रिपीट द सेम स्टेप विद द राइट लेग। अब साड़ी को घुमाते हुए लेग के नीचे से सामने की तरफ लाना है, काफ़ी टाइटली लाना है सो दैट ये अगेन फुटवेयर में टक ना हो, उलझे ना, और एक हाथ जितनी लंबी फैब्रिक लेते हुए प्लीट्स बनानी है। अब इन प्लीट्स को यूजिंग अ सेफ्टी पिन बैक की तरफ टक इन कर देना है। सो जो बची हुई साड़ी है इज द पल्लू। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। इफ यू वांट यू कैन कीप इट ओपन, बट टू मेक इट हसल फ्री आई डिसाइडेड टू मेक प्लीट्स। नाउ ट्राई टू मेक लुक बॉर्डर क्लीन अराउंड द वेस्ट एंड फ्रॉम द फीट। Now I'm adjusting the pallu from the top and securing it using a safety pin. So yes, if I can drape this saree, anyone can drape because I am not pro in saree draping. And yeah, as I am just done with this traditional saree draping look. Now completing this style using silver anklets, and yeah. That's all about this draping. I hope आपको ये traditional way to drape a dhoti style साड़ी अच्छा लगा हो। Now let's move to the second style, which is a modern style of draping dhoti saree. इसके लिए सबसे पहले साड़ी के लेफ्ट साइड के एज से प्लीट्स बनाते हुए फ्रंट में टक इन करना है। अब बची हुई साड़ी को आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए टक करते हुए सामने की तरफ लेकर आना है।
अब इसके बाद मैंने साड़ी की पल्लू से प्लीट्स बनाई हैं और उनको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। एंड अब बची हुई साड़ी की प्लीट्स बनाकर उसे पीछे की तरफ टक इन कर लेना है। मेक श्योर टू सिक्योर इट यूजिंग अ सेफ्टी पिन। एडजस्ट द फ्रंट बॉडी ड्रैप प्लीट्स टू गेट द प्लीट स्प्रेड अप covering the waistline a bit to get a sober and graceful look. Take the other loose fabric on the right front, which now looks like a loop. Completing the pallu by secure it using a safety pin. So this is the complete look and this is the end of the video. I hope आपको ये धोती style साड़ी look पसंद आया हो and अगर आप कोई suggestion अपने thoughts मेरे साथ share करना चाहते हैं तो please मुझे comment box में लिख कर बताएं and if you are new to my channel make sure to subscribe to my channel and press the hit icon if you like the video and press the bell icon for more such videos and notifications.